महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शोर पूरे जोर पर है। हर पार्टी और गठबंधन की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि जीत उसकी होगी, लेकिन डर सभी को है कि कहीं अंतिम समय में बाजी हाथ से ना फिसल जाए। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, चुनाव में कौन मारेगा बाजी और किसके हिस्से आएगी हार, इसका फैसला 24 अक्टूबर को होगा। लेकिन इससे पहले तमाम तथ्य सामने रखते हुए सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बात छिपी है वो है जाति और धर्म के कॉकलेट से तैयार हुआ वोटों का समीकरण। महाराष्ट्र की लगभग 1.25 करोड़ आबादी में हर धर्म और जाति के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रभाव रखती हैं। राज्य की जनसंख्या में 18.4% मराठा, 11% अनुसूचित जनजाति, 6.6% अनुसूचित जाति की आबादी है। इसके अलावा राज्य में ओबीसी वर्ग की 356 जातियां हैं, जिनकी आबादी करीब 40% है, जबकि अन्य सवर्णों की आबादी करीब 4% है। इस तरह यहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है। इसके अलावा मुस्लिम 11.5%, बौद्ध 5.8%, ईसाई और जैन 1-1% और अन्य समुदाय की आबादी 7% है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ की 40 सीटों पर मुसलमान वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ग्रामीण सीटों पर मराठा और ओबीसी किसी भी पार्टी की हार और जीत तय करने की ताकत रखते हैं। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र की लगभग 35 शहरी सीटों पर उत्तर भारतीय मतदाता भी किसी पार्टी की जीत और हार तय करते हैं। एक दशक पहले राज्य में मराठी और उत्तर भारतीय विवाद सुर्खियों में रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये मुद्दा चुनाव में कमजोर पड़ गया। अब हम एक नज़र डालते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति पर। विधानसभा में कुल सीटें हैं 288, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 29 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। राज्य में वोटरों की संख्या 8.94 करोड़ है। विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर तक 2019 को समाप्त हो रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41 और अन्य को 20 सीटों पर जीत मिली। 2014 में सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना गठबंधन का सामना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के साथ है। दोनों गठबंधनों ने राज्य की सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। ऐसे में अब देखना है कि 24 अक्टूबर को किस पार्टी के पक्ष में फैसला देगा राज्य का मतदाता। डीबी लाइव की रिपोर्ट।